नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित बर्मन। राहुल गांधी की सदस्यता के मामले में जो मानहानि का जो मामला चल रहा है, मोदी सरनेम के मानहानि के मामले में सूरत हाईकोर्ट से जो राहत नहीं मिली राहुल गांधी को, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आज राजधानी रायपुर में जो कांग्रेसी हैं वो मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीर। ये राजधानी रायपुर का गांधी मैदान है, यहाँ पे बैठकर जो कांग्रेसी हैं वो मौन सत्याग्रह के मामले के माध्यम से इस पूरी अभियान है जो राहुल गांधी के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। इसमें देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो यहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं। कुमारी जो शैलजा हैं छत्तीसगढ़ की प्रभारी, वो हैं। उप मुख्यमंत्री हैं टी एस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष हैं चरणदास महंत, तमाम जितने भी कांग्रेस के जो नेता हैं और लगभग जो यहाँ पे कांग्रेस के जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो इस मौन सत्याग्रह का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कांग्रेसी देख सकते हैं कि मुंह में काला मास्क लगाए हुए हैं और मौन धारण करके यहाँ पे जो आंदोलन यहाँ पे एक प्रकार से कर रहे हैं, सत्याग्रह के माध्यम से कहीं ना कहीं इन सरकार को चुनौती दे रहे हैं। और एक प्रकार से कहा जाए कि जिस प्रकार से राहुल गांधी पर जो मानहानि का जो मामला चल रहा है, उनकी सदस्यता जो रद्द कर दी गई है, उसको लेकर यहाँ पे सीधे जो कांग्रेसी हैं, इससे पहले भी राजधानी रायपुर में 7 जुलाई को जिस प्रकार से जो मामला आया, उसके बाद 8 जुलाई को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अम्बेडकर जो चौक है वहाँ पे इसी तरह से विरोध करने का काम किया गया था। और इस बार प्रदेशव्यापी जो मौन सत्याग्रह यहाँ पे कांग्रेस पार्टी आज कर रही है, आपको दिखाते हैं बड़ी संख्या में जो भीड़ है, जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो राहुल गांधी को न्याय दिलाने के लिए जो केंद्र सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से यहाँ पे जो मौन सत्याग्रह के माध्यम से राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए यहाँ पे सीधे पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं कि इसमें बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पे मुंह में मास्क लगाकर और एक मौन होकर कुल मिलाकर ये पूरा जो विरोध है यहाँ पे कर रहे हैं राहुल गांधी का समर्थन में, जो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं एक बार फिर से उतर गए हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अब कांग्रेस जिस प्रकार से राहुल गांधी का जो पूरा मानहानि का जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट में अब कांग्रेस पार्टी लेकर जाएगी, अब क्या राहुल गांधी को वहाँ पे राहत मिलती है, या फिर जिस प्रकार से जो 2 साल की जो सजा और जो सदस्यता रद्द कर दी गई है वो यथावत बनी रहती है। राजधानी रायपुर से नवभारत टाइम्स के लिए रोहित बर्मन।